Hello everyone, today I am going to teach you sentence और sentence के rule. यहाँ पर हम simple present के बारे में पढ़ेंगे और इसके rule बताएंगे. Simple present का rule है subject plus verb की first form यानी past form plus s और es. Verb की first form के साथ s और es use करते हैं. देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसके साथ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस और ई एस आता है. नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट. आपको ये मैं बाद में समझाऊंगी कि डू नॉट कहाँ यूज करते हैं, डज नॉट कहाँ यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर इंट्रोगेटिव है तो डू फर्स्ट में डू और डज आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस क्वेश्चन मार्क. नीचे पढ़ेंगे सबसे पहले पॉजिटिव. आई रीड, यहाँ आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. निगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई प्लस डू नॉट, आई डू नॉट, या डोंट भी यूज कर सकते, एक ही यूज होगा, या डू नॉट या फिर डोंट. आई डू नॉट रीड. अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू फर्स्ट में आ जाएगा, डू आई रीड. आई रीड का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड का मतलब होता है मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई रीड का मतलब होता है क्या मैं पढ़ता हूँ. सेकेंड है यू वी दे रीड, यानी यू रीड, वी रीड, दे रीड. ऐसे ही डू नॉट इनसे पहले क्या हो जाएगा, यू वी दे लिखने के बाद डू नॉट यूज होगा और रीड यूज होगा. यहाँ यू वी दे से पहले डू यूज हो जाएगा फिर रीड होगा. इसी तरह से ही सी रीड्स, क्योंकि एस और यस यूज होता है ही सी इट के साथ और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये यूज होता है एस और यस. ऐसे ही सी डज नॉट रीड, या किसी का नाम होगा तो भी नमिता डज नॉट रीड. फिर यहाँ पर इंट्रोगेटिव में डज ही सी रीड, डज नमिता रीड. अब ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसे आप खुद से करेंगे. ऊपर आपको जो रूल दिए हुए हैं वो आपको हेल्प करेंगे, इनसे आप समझ पाएंगे. अभी एक्सरसाइज दी हुई है और एक्सरसाइज वन है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. यहाँ पर है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आपको नेगेटिव बनाना है. मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ. बर्ड्स के बाद आ जाएगा बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई. क्यों, क्योंकि बर्ड्स यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू यूज होता है और सिंगुलर के साथ डज यूज. रोहित एक नेम है तो यहाँ डज नॉट हो जाएगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. तो आप इसे कैसे करेंगे, जो डज है वो फर्स्ट में आ जाएगा, डज रोहित लव्स हिज टीचर और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. थर्ड है बॉयज आर डूइंग देयर होमवर्क, नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे बॉयज डू नॉट doing their homework. ऐसे फिर है my friend speaks good English, interrogative बनाना है तो यहाँ my friend है तो क्या आ जाएगा, does my friend speak good English और question mark. Fifth है dogs are barking, interrogative बनाना है तो dogs plural है तो आ जाएगा do dogs are barking, या फिर are इसमें पहले से ही दिया हुआ है helping verb तो आप यहाँ पर आर यूज कर सकते हैं, आर डॉग्स बार्किंग और क्वेश्चन. ही इज लर्निंग म्यूजिक, नेगेटिव बनाना है, ही इज नॉट लर्निंग म्यूजिक. सेवंथ वी आर गोइंग टू कोलकाता सून, यहाँ इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर वी गोइंग टू कोलकाता सून, आर फर्स्ट में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग, नेगेटिव बनाना है तो चिल्ड्रन हो जाएगा यहाँ पर डू नॉट प्ले इन द
इवनिंग. नाइन्थ है रितु सिंग्स असोम. नेगेटिव बनाना है, रितु डज नॉट सिंग्स असोम. टेंथ है आई एम लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक. इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम फर्स्ट में आ जाएगा, एम आई लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक और क्वेश्चन मार्क. अगर आप इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आप उसे फर्स्ट में यूज करके इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं दी हुई है तो हम डूडस यूज करके बनाएंगे. इलेवेंथ है नमन एंड चमन. रन फास्ट इंट्रोगेटिव बनाना है, यहाँ लिखना है डस रमन नमन एंड यहाँ पर डू आएगा क्योंकि दो है तो डू नमन एंड चमन रन फास्ट. प्लूरल है इसलिए डू आएगा, सिंगुलर होता तो डस आता. थैंक यू. आंसर की मैं आपको बाद में सेंड करूँगी, उसे चेक करेंगे फिर ही कॉपी सेंड करूँगी.